हाय एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं अंजनी महादेव जो पड़ता है मनाली से 14 किलोमीटर दूर सोलांग वैली में। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ सोलांग वैली जहाँ से अंजनी महादेव का रास्ता शुरू होता है। हमने बाइक रेंट की हुई है बट ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरा ऑफ रोडिंग है। हम यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए बैठे हैं रेस्ट करने के लिए और रास्ता बहुत ख़राब था जैसे आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। यहाँ पे बाइक रोक के हम यहाँ से आगे पैदल जाने वाले हैं। 10-15 मिनट्स का आई थिंक मैक्सिमम रास्ता है, इसके बाद वॉक करके जाना है। कुछ अच्छे अच्छे और प्यारे शॉट्स लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ और व्यूज तो अच्छे हैं ही बट ये रास्ता। हम कुछ खाने के लिए रुके हैं एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रेवल इज दैट यू गेट टू टेस्ट different food from different places and that's the best thing. अगर आप घूमते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत सारी जगह देखेंगे बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जाके आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही एहसास होता है। ये जगह इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव है दैट यू जस्ट वांट टू कीप क्वाइट एंड जस्ट बी योरसेल्फ एंड यू नो फील इट। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेस, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस, इट इज़ अ वाइब। यहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित है वो एक ऐसी जगह स्थापित किया गया है जिसके ऊपर से एक नेचुरल वाटरफॉल है जो 24/7 उसके ऊपर गिरता है और उसका जल अभिषेक करता है। एंड सर्दियों में बर्फ से शिवलिंग जमने के कारण इसे हिमाचल का अमरनाथ भी कहा जाता है। और कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन इतनी सुकून है, इतनी शांति है। अंजनी महादेव का हमारा ये सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है, ये कहानी आज यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी ऐसी ही खूबसूरत जगह के साथ, तब तक के लिए आप ये व्लॉग एंजॉय करें। बाय, सी या।